लेट्स चेक द बेबीज रिएक्शन सैमसंग गैलेक्सी जे फ्लिप 3। ये देखो ऐसा फोन टूट गया। तो आयजा ने आज बहुत जिद पकड़ी थी कि भाई मुझे भी आना है वीडियो के अंदर। आयजा देख लो वहां पर, हेलो कर दो, हेलो, आवाज़ दे दो, आवाज़ इप्पी दे दो बेटा, वो नहीं इप्पी दे दो, वो एम्बार्गो पे इप्पी दे दो, बाय कर दो, चलो। शी वॉन्ट्स टू गिव टेक न्यूज़, ओ माय गॉड। टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबर हमेशा की तरह लाया हूं। आज हफ्ते का पहला दिन है, इतनी टेक न्यूज़ है कि मुझे कुछ तो निकालनी पड़ी। सीरियसली आपको आज बहुत मजा आने वाला है। और आज बहुत अच्छा दिन है, आज है जन्माष्टमी, यानी कि कृष्णा जी जो है वो उनका बर्थ हुआ था, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही मिलके खुश रहिए, सेफ रहिए। वैसे दोस्तों पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या आप टैबलेट इस्तेमाल करते, तो लगभग 85% लोगों ने कहा नहीं। ठीक है, आज हमने मी नोटबुक अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग किया, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। इस वीक में बहुत कंजेस्टेड होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, देखते हैं हम एडजस्ट कर लेंगे। बस आप लोग प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि भाई आपकी कोनी लग जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं बड़े ध्यान से रखा हूँ। और दूसरी बात, ये गिरेगा भी तो टेंशन नहीं है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस वगैरह लगा हुआ है तो इशू नहीं है। खैर, पहली खबर की बात करते हैं वीवो से। वीवो X70 सीरीज दोस्तों फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है और 9 सितंबर को ये चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो समझ लीजिए कि हमें फिर इंडिया में भी एंड ऑफ सितंबर में शायद देखने को मिल सकता है। और देखते हैं कि इस बार वीवो वाले क्या खास करते हैं X70 सीरीज के साथ। X60 सीरीज तो मुझे अच्छी लगी थी, X70 बोल रहे कि और भी बेहतरीन कैमरा और चिपसेट यहां पर लेके आएगी। लेट्स सी, लेट्स वेट, मिड ऑफ सितंबर में और भी जानकारी मिल जाएगी। वैसे अगले महीने जो iPhones आने वाले हैं, iPhone 13 सीरीज, इनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें आपको विदाउट 4G और 5G नेटवर्क कवरेज मिलेगा, यानी कि आप उनके बिना भी कॉल्स और SMS यहां पर भेज सकते हैं। मैं अभी ट्रोल नहीं कर रहा, मैं अभी सच बोल रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिंग चिंग क्वांग, एक फेमस एनालिस्ट है जो एप्पल से रिगार्डिंग अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं, उन्होंने बताया इसमें लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट होती है उससे कनेक्टिविटी होगी और साथ में एक ऐसा कस्टमाइज्ड चिप होगा इनके अंदर जो वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस होगा वो एकदम डिफरेंट होने वाला है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। अब ये फेस टाइम, आई मैसेज किसके थ्रू होगा ये तो नहीं पता, लेकिन यस दोस्तों विदाउट 4G 5G आप कॉल कर सकते हैं और SMS वगैरह भेज सकते हैं। लेट्स सी ये सच है या झूठ है, लेकिन कैसे काम करेगा मुझे उसका भी इंतजार है। वैसे अंडशंड कंपनी जो है आजकल सच में अंडशंड चीजें कर रही है। OnePlus Nord AC फोन में क्या AC लगा के देगा, समझ नहीं आ रहा। ऐसे कुछ फोन जो है मॉडल नंबर जो है वो ऑनलाइन लिस्ट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये भी इंडिया में लॉन्च होगा। अभी OnePlus Nord सीरीज का कोई अलग वेरिएंट होगा या एक नया फोन होगा, इसके बारे में आई एम कंप्लीटली नॉट श्योर। साथ ही साथ दोस्तों नॉट 2 का जो 6GB वेरिएंट है वो आज से सेल पर अवेलेबल हो जाएगा। बड़े दिनों से जो लोग वेट कर रहे थे इसको कम प्राइस पर परचेस करने के लिए, आप लग आजमाइए, अगर मिलेगा ना तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और साथ ही साथ दोस्तों OnePlus Nord 9 RT ये इंडिया की BIS पे लिस्ट हो गया। इसका मतलब बड़ी ही जल्दी हमें ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी सितंबर मिड या अक्टूबर, जब भी आएगा ना, मैंने बोला था ना OnePlus 9R यूजर का ये खून तो जरूर चूसेगा। Samsung Galaxy S21 Fan Edition, अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दूं, ये बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक यूजर है मौरी QHD मौरी, एनीवेज सितंबर 8 को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, ऐसा इन्होंने यहां पर बताया। लेट्स सी ये सच है या झूठे, लेकिन हाँ Samsung S21 Fan Edition आने तो वाला है, इतना तो मुझे पता है, देखते हैं क्या होता है। क्या आप एक्साइटेड है, कमेंट में ना जरूर से बताना। बाय द वे दोस्तों Realme Pad, ये इसकी पूरी स्पेक्स बाहर आ गई है और साथ में लॉन्च डेट भी हिंट हो गई है, अराउंड सितंबर 9th को ये इंडिया में आ सकता है ऐसा बताया जा रहा है। इसमें आपको MediaTek Helio G80, हाँ आपने सही सुना, MediaTek Helio G80 होगा और इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी बड़ी सी 10.4 इंच की, 7100mAh की बैटरी है और ठीक ठाक कैमरा है और क्वाड स्पीकर से, तो ये मुझे लगता है शायद से अगर ऐसा होगा भी तो वो 15,000 की रेंज में आएगा, मतलब बजट को वो लोग टारगेट कर सकते हैं ऐसा लगता है मुझे। कहीं से तो कुछ तो आवाज आ रहा है, कर कर कुर 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 कुर, मुझे डर लग रहा है। एनीवेज साथ ही साथ दोस्तों Realme 8S ये भी ऑफिशियली कंफर्मड हो गया, इसके पोस्टर्स बाहर आ गए, Dimensity 810 के साथ आएगा और Realme के जो CMO है ना इंडिया के, उन्होंने ये भी बताया Realme 8 5G जो है वो सबसे बेस्ट सेलिंग 5G फोन था, मे बी ये उसको सक्सीड करेगा ऐसा लगता है। लेट्स सी कि क्या खास होता है ये,
जो भी होगा आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये खबर सुन के ना मतलब आप हंसेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन एनीवेज Realme 9 सीरीज तो आ रही है, हमें पता है ये सब कुछ जो है ये ऑनलाइन लिस्ट हो गए थे ठीक है, लेकिन आज Realme Note 9 सीरीज भी लिस्ट हो गई। मेरे को तो लगता है इस बार तो मन्नु कुमार जैन खुद रस्ते में उतरेंगे, चप्पल निकालेंगे, माधव शेट के पीछे भागेंगे, तो क्या क्या लेगा तू, बाल तो ले लिया। तो मतलब सोचो Redmi Note सीरीज है ना, Realme Note 9 सीरीज भी है। अभी ये टाइपो एरर क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा लिस्ट हुआ है माधव शेट जी। चलो ठीक है, देखते हैं जब आएगा आपको बताएंगे। बाय द वे दोस्तों Jio Phone Next की तरफ से यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, और ये ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये फोन आएगा तो इसमें दोस्तों लॉकिंग वाला सिस्टम होगा, यानी कि ये सिर्फ जियो सिम कार्ड से ही काम करेगा, एयरटेल वोडाफोन अगर आप दूसरे सिम कार्ड्स लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ ऐसा बोल रहे और मुझे भी शायद ऐसे ही लगता है, क्योंकि जियो भी यही चाहेगा कि जब ये फोन लॉन्च करे तो वो यही चाहेगा कि ना आप उसके सिम कार्ड यूज करें, तो यूजर बेस भी बढ़ता है इससे, बट ऐसा बोल रहे आई एम नॉट श्योर। तो लेट्स सी, वैसे आपको क्या लगता है ये लॉकिंग सिस्टम के बारे में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और बड़ी ही जल्दी दोस्तों आ जाएगा हमारे पास भी, इसकी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी। हाँ मेरे को पता है, इसके लिए भी स्किप किया रहेगा। फ्री फायर मैक्स, देखिए दोस्तों ये मलेशिया, बोलिविया और आई थिंक वियतनाम में अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल हो चुका है, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन, और ऑफिशियल लॉन्च डेट इसकी सामने नहीं आई, ये बताया जा रहा है कि शायद मिड ऑफ सितंबर या फर्स्ट अक्टूबर को हो सकता है। लेकिन आपको बताया सरप्राइजिंगली जब मैंने प्ले स्टोर में चेक किया तो ये हमारे प्ले स्टोर में भी अवेलेबल था इंडिया के अंदर, हाँ, और मैंने प्री रजिस्टर भी कर लिया। तो अगर आपको जाके चेकआउट करना है तो आप देखिए फ्री फायर मैक्स सर्च करिए, आपको मिल जाएगा और आप इसके लिए प्री रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे इंप्रूव्ड चीजें मिलेगी, इनफैक्ट जो लॉबी होगा वो भी पूरा 360 व्यू होने वाला है, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी दोस्तों, आने दीजिए, देखिए आएगा तो जरूर, और मैं आपको गेम प्ले भी जरूर दूंगा, फर्स्ट टाइम एवर हम भी फ्री फायर खेलेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। वैसे आप एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर से बताना। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G, ये अभी सैमसंग की एम सीरीज का मेन स्ट्रीम 5G फोन है, जो भी बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा। इसकी अभी प्राइस लीक हो गई है इंडिया की, बताया जा रहा है कि ये 25,000 से स्टार्ट होगा 6128, क्योंकि आपको इसमें स्नैपड्रैगन 778 वाला चिपसेट मिलता है 5G, और आपको एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होगी, बड़ी बैटरी होगी वगैरह, ऐसा चीजें बोल रहे हैं। तो लेट्स सी, तो देखते हैं कभी आता है। A52S भी है, वैसे इसके सिमिलर ही है वो, लेकिन ये सीरीज थोड़ी प्रीमियम होती है। देखते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है क्या प्राइस होना चाहिए, कमेंट में जरूर से बताना। वैसे दोस्तों आपको बताया Xiaomi की ग्लोबली फाइनेंशियल रिपोर्ट यहां पर बाहर आ गई है, Q2 2021, जनवरी फरवरी मार्च ये Q1 होता है, अप्रैल मई जून ये Q2 होता है, 3 महीने के अंदर आपको पता है इन्होंने कितना कमाया, जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो अराउंड 99,700 करोड़, यानी कि 1,00,000 करोड़ के आसपास था, उसके अंदर 67,100 करोड़ स्मार्टफोन है, और अगर नीचे देखोगे प्रॉफिट तो 7,100 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है। सोचो दोस्तों 64% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये भले प्रॉफिट कम रखता है लेकिन फिर भी पैसा देखो उन्होंने यहाँ पर कितना कमाया है, इससे पता चलता है कि Xiaomi कितना मशहूर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 1,00,000 करोड़। क्या आपको पता है दोस्तों चोरों को दावत देना, आज वो प्रूफ हुआ है, देखिए सुनिए। एक अमेरिकन रैपर है जिनका नाम है Lil Uzi, उन्होंने 175 करोड़ का पिंक डायमंड अपने सामने फोरहेड पर इम्प्लांट किया, सामने की तरफ दिखता है, सर के अंदर डायमंड लगाया। चोर बोलेगा तू खाली रात को सो, तेरे को दिखाता है मैं। आज की नेक्स्ट न्यूज़ ये खत्म होने में करता है, आपको आज की नेक्स्ट न्यूज़ पसंद आएगी पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।